सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इस वीडियो में कक्षा सातवीं के गणित से प्रश्नावली 3.2 के सवालों का हल करना सिखाया जाएगा। बच्चों, इसमें 1 से लेकर 5 तक के सवाल दिए गए हैं, तो इनका बारी बारी से आपको हल करना सिखाया जाएगा। इन सब में बच्चों 3.7 माध्यक और एक शब्द यहाँ पर दिया गया है बड़े आंकड़ों का बहुलक, और यहाँ पर केवल बहुलक दिया गया है। तो बहुलक और माध्यक के सवाल इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। बहुलक और माध्यक के बारे में सबसे पहले आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, बहुलक का अर्थ होता है यानी कि बहुत बार आने वाला, बहुत बार यानी कि सबसे ज्यादा बार आने वाला। जब आपको कुछ आंकड़े दिए गए हों बच्चों, जैसे ये आंकड़े दिए गए हैं, तो इनमें बहुलक पूछा जाएगा, तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार होगा उसको बोलते हैं हम बहुलक। माध्यक का अर्थ होता है बच्चों बीच में आने वाला। तो बहुलक में हमें अगर कुछ आंकड़े दिए गए होंगे, तो हम जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको बोलेंगे बहुलक, और माध्यक हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, और जो आंकड़ा बीच में आएगा वो होता है बच्चों माध्यक, और तीसरा होता है माध्य। माध्य के बारे में बच्चों आपको हम पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग, ये आपकी पिछली प्रश्नावली में भी आया था, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो ये तीन चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी बार बार बच्चों। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। बच्चों, गणित की कोई परीक्षा हुई है, उसमें 15 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं, यानी कि 25 नंबर की परीक्षा हुई है 15 विद्यार्थियों की, तो उनके 25 में से यहाँ पर अंक दिए गए हैं 19, 25, 23, इस तरह से अंक दिए गए हैं यहाँ पर 20 तक। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान हैं? तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुलक क्या होता है, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आने वाला होता है, आया हुआ होता है, उसको हम बहुलक कहते हैं। और फिर माध्यक, जो आंकड़ा बीच में आएगा। और माध्यक के लिए हमें एक बात और याद रखनी है बच्चों कि हम ये विषम आंकड़े होंगे तभी हम माध्यक निकाल सकते हैं। इससे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये दिए हुए आंकड़े हैं इनको लिखेंगे और फिर इनका आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। तो 15 विद्यार्थियों के द्वारा 15 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर है, ये सभी अंक आपको लिखने हैं 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, यहाँ से ये मैं सभी अंक लिख रही हूँ 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप इन सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लीजिए या फिर अवरोही क्रम में लिख लीजिए, आपको इनको व्यवस्थित क्रम में लिखना है, तो हम यहाँ पर इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में प्राप्त अंक बराबर है, हम इनको आरोही क्रम में लिख रहे हैं बच्चों। सबसे छोटी 5 है, फिर 9, इसके बाद यहाँ पर है 10, और इसके बाद है 12, फिर बच्चों 15। आप इनको एक एक करके इस तरह से टिक करते जाइए ताकि आप इनको छोड़ेंगे भी नहीं और फिर ये दोबारा भी नहीं लिखे जाएंगे। तो इसके बाद 15 के बाद है बच्चों 16 के बाद है 19, और 19 भी एक बार ही है, 19 के बाद है ये 20,
और 20 बच्चों 1, 2, 3, 4 बार है, तो हमें चारों बार लिखना है। 20 के बाद बच्चों है 23, 23 एक बार ही है, 23 के बाद है 24 और 24 के बाद है बच्चों 25 और 25 दो बार है यहाँ भी यहाँ भी, तो हमें 25 को भी दो बार लिखना है। तो हमने इस तरह से इन प्राप्त अंकों का आरोही क्रम लिख लिया है। अब हम इनमें आराम से देख सकते हैं कि बहुलक क्या है। तो अंकों का बहुलक बहुलक बराबर है, आंकड़ों का बहुलक लिख सकते हैं या अंकों का बहुलक, आंकड़ों का बहुलक बराबर है। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 20 आया है, 1, 2, 3, 4, 20 चार बार आया है, 25 दो बार है, बाकी एक एक बार ही है। तो 20 चार बार आया है तो यहाँ पर बहुलक आ जाएगा 20। अब देखते हैं माध्यक क्या आएगा। माध्यक के लिए मैंने बताया था कि आरोही क्रम में लिखने के बाद जो उनके बीच में आने वाला आंकड़ा है वही माध्यक होता है। तो ये 15 आंकड़े हैं क्योंकि 15 विद्यार्थियों के अंक हैं, 7 इधर छोड़ देंगे, 7 इधर छोड़ देंगे, 8वां आंकड़ा होगा वो माध्यक आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इधर छोड़ देते हैं, ये 8वां आंकड़ा है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आंकड़े हमने इधर छोड़ दिए हैं और 7 इसके इधर छोड़ दिए हैं बच्चों। तो ये बीच में है इसके 20, तो यहाँ पर आंकड़ों का बहुलक भी 20 आया है, 20 अंक, और माध्यक भी 20 अंक ही आया है। तो ये पूछा गया था कि क्या ये समान हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना है हाँ ये दोनों दोनों यानी कि आंकड़ों का बहुलक और माध्यक समान हैं। तो इस तरह बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 का हल करना सीखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। तो इस तरह से खिलाड़ियों ने अलग अलग रन बनाए हैं। इन आंकड़ों के माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान हैं। तो बच्चों इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं, इनके माध्य बहुलक और माध्यक तीनों चीज़ हमें ज्ञात करनी है और ये बताना है कि क्या तीनों समान हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, ये सभी रन हम लिख लेंगे बच्चों, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और ये 15। अब हम इनको या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो हम यहाँ पर इनको आरोही क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में रन बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे छोटा है 6, छोटे से लिखते हैं बड़े की तरफ जाते हैं आरोही क्रम में, फिर है 8, फिर 10, फिर से 10 है, ये फिर से 10 है बच्चों, ये 6 हमने लिख लिया, इनको टिक करते जाइए आप जो भी आप लिख लें, फिर 8 है तो 8 को भी टिक कर दें, 10 हमने लिखा है, फिर 10 दूसरी बार है, 10 भी लिख लिया है, 10 के बाद है बच्चों यहाँ पर 15, और 15 यहाँ पर भी है, 1, 2 और 3, 15 तीन बार है तो 3 बार ही हम लिखेंगे, 15 से बड़ा है बच्चों फिर इसमें 50, 50 को लिखेंगे और 50 एक बार ही है, 50 के बाद है बच्चों यहाँ पर 80, 80 है, ये सभी हो चुके हैं, इधर 80, 120 और 100 बचा हुआ है, तो 80 आ जाएगा, फिर 100 और फिर 120। तो इस तरह से हमने आरोही क्रम में रनों को लिख लिया है। अब माध्य बहुलक माध्यक लिखने निकालने बहुत ही आसान है, माध्य बराबर है सभी प्रेक्षणों का योग या सभी आंकड़ों का योग
आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या बराबर है, आंकड़ों का योग बच्चों इन सब का योग कर देंगे, 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120 भाग में आ जाएगा या बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको पता भी है कि क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो हम इसको 11 से भाग कर देंगे। अब हम इनको जोड़ते हैं, तो हम इकाई को इकाई से जोड़ेंगे पहले, फिर दहाई दहाई को जोड़ेंगे, फिर सैकड़ा को। 6 8 14 और 14 5 19, 5 24 और 5 29, 29 का 9, 2 हासिल आ जाएगी बच्चों इस तरह से। तो अब हम दहाई जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 5 10 10 और 8 18 18 और 2 20 और 2 22, 2 हासिल थी, फिर से 2 हासिल है। अब सैकड़ा को जोड़ेंगे, सैकड़ा यहाँ 2 के साथ ही है बस, 1 2 और 2 हासिल 4, 429 बटे 11। अब 429 को हमें 11 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो 11 3 33 आ जाएगा। 12 में से 3 गए 9 और 9 उतारेंगे बच्चों, 11 निमा 99, पूरा भाग चला गया है, तो यहाँ से भाग बल आ जाएगा 39, और ये क्या है, 39 रन है बच्चों, रन दिए गए थे ना, तो ये रन है 39। अब माध्य तो हमने निकाल दिया है आंकड़ों का, अब बहुलक देखते हैं, बहुलक और फिर हम माध्यक निकालेंगे। तो बहुलक मैंने बताया था कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आंकड़ा 15, ये 15 1 2 3 बार आया है, तो 10 2 बार आया है बच्चों, 15 3 बार आया है, तो यहाँ पर बहुलक आ जाएगा 15। और अब देखते हैं माध्यक, माध्यक मैंने शुरू में आपको बताया था कि जितने आंकड़े दिए गए हैं ये विषम संख्या में आपको मिलेंगे, यानी कि 2 से जो संख्या भागनी होती है उस संख्या में, तो हमें बीच वाला आंकड़ा लेना होता है। तो ये 11 आंकड़े हैं, तो 5 इधर छोड़ देंगे 5 इधर छोड़ देंगे, दोनों तरफ से छठा आंकड़ा आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ देंगे और ये छठा आंकड़ा है, ये 15, ये माध्यक आ जाएगा, 1 2 3 4 5 इधर रह जाएंगे इसके, 15 के 5 इधर रह जाएंगे, 5 आंकड़े और 5 आंकड़े इसके इधर रह जाएंगे, ये छठा आंकड़ा है, इधर से भी बीच का, तो यहाँ पर आ जाएगा माध्यक 15 बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमने माध्य, बहुलक और माध्य निकाल लिया है। ये पूछा गया था इसमें कि क्या ये तीनों समान हैं, तो ये 39 आया था माध्य, और बहुलक और माध्यक दोनों 15 15 आए हैं, तो यहाँ पर ये तीनों समान नहीं हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नहीं, ये तीनों समान नहीं हैं। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार हैं। कोई कक्षा है बच्चों, उसके 15 विद्यार्थियों का भार दिया गया है किलोग्राम में, 38 42 35 इस तरह से 47 तक भार दिया गया है। तो इनमें नंबर 1, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। जो ये आंकड़े दिए गए हैं बच्चों, इनका माध्यक और बहुलक दोनों ज्ञात करनी है। और नंबर 2 पार्ट में बताना है कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें ये बताना है कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो विद्यार्थियों का भार सबसे पहले हमें जो दिया गया है वही हमें ज्यों का त्यों लिखना है बच्चों, फिर अगली पंक्ति में हम आरोही क्रम में इनको लिखेंगे, 38 42 35 37 45, ये मैं यहीं से लिख रही हूँ जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, 50 32 43 40 36 38 43 48 47, ये सभी आंकड़े हमने यहाँ पर लिख लिए हैं 15 विद्यार्थियों के बच्चों। अब हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे,
आरोही क्रम में आंकड़े बराबर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 32। तो हम 32 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर है बच्चों 35, फिर 35 को लिखेंगे, 35 के बाद 35 देखते हैं एक बार ही है क्या, 35 एक बार ही है, फिर है बच्चों 36, 36 भी देखते हैं एक बार है या कई बार है, एक बार ही है, 36 के बाद है बच्चों 37, और 37 एक बार ही है। अब बच्चों इसे 37 से बड़ा है 38, और 38 देखते हैं एक बार है अधिक बार है, एक दो और तीन, 38 तीन बार है, तो हमें 38 को तीन बार ही लिखना पड़ेगा। और 38 के बाद है बच्चों 40, और 40 देखते हैं कितनी बार है, 40, 40 एक बार ही है, फिर 40 से बड़ा है बच्चों 42, 42 कितनी बार है, एक बार ही है, 42 से बड़ा है फिर 43, और 43 को देखते हैं कितनी बार है, 43 यहाँ पर है एक बार, दो बार, और ये तीसरी बार, एक दो और तीसरी बार भी हम लिख देते हैं। आपको जितनी बार आंकड़ा दिया गया है वो लिखना है बच्चों। हम यहाँ पर छोटे से बड़े आंकड़े की तरफ इस तरह से आरोही क्रम में आंकड़ों को लिख रहे हैं। फिर 43 के बाद है बच्चों 45, 45 एक बार ही है, इसके बाद है 47, 47 के बाद है बच्चों 50। इस तरह से हमने सभी आंकड़ों को पहले ही टिक कर लिया था ताकि कोई आंकड़ा न छूटे और दोबारा भी न लिखा जाए। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं आंकड़ों का बहुलक और माध्यक। तो इसमें नंबर एक पार्ट में निकालना है आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का बहुलक। आपको पता है बहुलक जो भी आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया हो वही उनका बहुलक होता है। तो यहाँ पर बच्चों 38 तीन बार है तो आंकड़ों का बहुलक आ जाएगा 38, और यहाँ पर बच्चों 38 तीन बार दिया गया है और 43 भी तीन बार दिया गया है, इसलिए 38 और 43 दोनों ही इसके बहुलक हो जाएंगे। माध्यक, माध्यक में हमें देखना है कि बीच वाला आंकड़ा कितना है। 15 विद्यार्थी हैं, 7 इधर छोड़ देंगे, 7 इधर छोड़ देंगे, और 8वां बीच में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े इधर छोड़ देते हैं हम इस तरफ, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े हमने इधर छोड़ दिए हैं ये इस तरफ, तो ये 8वां आंकड़ा बीच में है 40, तो ये आ जाएगा माध्यक। अब हमें बताना है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था आंकड़ों के बहुलक में कि 38 और 43 दोनों ही तीन तीन बार थे, इसलिए आंकड़ों का बहुलक एक से अधिक था। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक हैं। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, 13, 16, 12, इस तरह से 14 तक ये आंकड़े दिए गए हैं, इनका हमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इन आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में, या व्यवस्थित क्रम में भी आप बोल सकते हैं, व्यवस्थित क्रम में या अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे छोटा है 12, और 12 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, दो बार है, इसके बाद है बच्चों 13, 13 एक बार और दूसरी बार यहाँ पर है, दो बार है 13, 13 से बड़ा होता है 14, 14 भी है यहाँ पर, एक दो और तीन बार, और 14 से बड़ा बच्चों यहाँ पर है 16, 16 से बड़ा है फिर 19। तो हमने इस तरह से आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से लिख लिया है।
अब हम देखते हैं आंकड़ों का बहुलक। बहुलक के लिए हमें पता है जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार 12 दो बार है, 13 दो बार और 14 तीन बार है बच्चों, 1 2 3, 16 और 19 एक एक बार हैं, तो सबसे ज़्यादा बार आया है 14, तो उत्तर आ जाएगा 14। और अब हम देखते हैं माध्यक बराबर है, तो माध्यक का हमें पता है बीच वाला होता है आंकड़ा, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या करेंगे, 9 आंकड़े हैं, 4 इधर छोड़ देंगे और 4 इधर छोड़ देंगे, जो पांचवा आंकड़ा आ जाएगा बीच में, एक आंकड़ा जो पांचवा है वही हमारा माध्यक आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ देते हैं, 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ देते हैं, तो अब ये जो 14 है पांचवा आंकड़ा, इधर से भी इधर से भी, ये क्या आ जाएगा, हमारा माध्यक आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का हल करना सीखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। सत्य का अर्थ होता है जो सही है और असत्य का अर्थ है जो गलत है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नंबर 1, बहुलक, आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य, क्योंकि अभी हमने प्रश्नावली के सवाल किए तब भी, और वैसे भी हमें पता है कि बहुलक हमें जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि 6 5 4 3 3, इस तरह से अगर कुछ आंकड़े दिए गए हों तो इन आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार होता है वही हमारा बहुलक होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है। माध्य, दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। बच्चों इसका आंसर आएगा गलत, गलत या असत्य, हम यहाँ पर असत्य लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा बच्चों असत्य, क्योंकि माध्य तो बच्चों आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। आंकड़ों का योग, जो हमें आंकड़े दिए गए होते हैं उनको भाग करते हैं हम आंकड़ों की संख्या से, आंकड़ों की संख्या से, ना कि उन्हीं में से कोई एक आंकड़ा माध्य होता है, तो इसलिए ये असत्य आएगा। नंबर 3 देखते हैं, माध्यक, आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, तो ये बच्चों बिल्कुल सही है, इसलिए ये सत्य आएगा, क्योंकि माध्यक जो हमें आंकड़े दिए गए होते हैं, आंकड़े विषम संख्या में दिए गए मिलेंगे आपको हमेशा जब माध्यक निकालना हो, तो उनमें जो बीच वाला आंकड़ा होता है वही माध्यक होता है, तो ये सदैव सदा ही आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। अब हम नंबर 4 देखते हैं, आंकड़ों 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य 9 है। तो बच्चों इसमें ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उन्हें पूछा गया है कि क्या इनका माध्य 9 है, तो हम ये क्या करेंगे, जोड़ कर देखेंगे और फिर ये कितनी संख्या है उसको भाग देंगे, माध्य निकाल के देखेंगे, यानी कि तो 6 4 10 3 13 और 8 21 9 30 2 32 और 3 35 और 9 44, और 4 हस्से लाएंगी, 4 और 1 5 6, तो इनका योग आ जाएगा बच्चों 64। अब हम देखते हैं संख्या कितनी है इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंकड़ों का योग है 64 और आंकड़ों की संख्या है 8, तो 8 एकम 8 और 8 2 64, यहाँ पर हमें आंसर 8 मिलता है, लेकिन यहाँ पर माध्य 9 दिया गया है, इसलिए ये कथन आ जाएगा असत्य, असत्य। तो इस तरह बच्चों हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 कक्षा 7वीं गणित से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल करना सीखा, और अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।